हेलो गाइस कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे अपने घरों में होंगे देखो आप सभी के साथ मुझे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करनी है आप सभी के मन में रिजल्ट को लेके जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि कब रिजल्ट आ रहा है कितना टाइम और लगेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड मुझे आपके साथ ये न्यूज़ शेयर कर दें मैं फटाफट से आपके साथ शेयर कर देती हूँ वीडियो को शेयर कर देना लाइक कर देना और सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए और पीडीएफ्स के लिए अनअकैडमी चैनल को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे एन अकेडमी एस एस सी एग्जाम्स अब सीधा बात करते हैं न्यूज़ की तो देखो ये जो देरी हो रही है रिजल्ट में ये क्यों हो रही है इस चीज़ के बारे में यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग के जो सदस्य हैं मिस्टर राजीव श्रीवास्तव उनसे बात की गई उन्होंने ये बताया है कि जो कोरोना वायरस की महामारी है पैंडेमिक जो है और लॉकडाउन के सिचुएशन के कारण ही रिजल्ट में डिले हो रहा है ये तो आप सबको पता है कि जो डिले हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है लेकिन अब क्या अब किस टाइम तक पता लग पाएगा कि रिजल्ट कब तक आएगा तो फर्स्ट जून को मीटिंग होगी फर्स्ट जून को मीटिंग होगी और जून के जो फर्स्ट वीक है उसी में रिजल्ट की जो डेट्स हैं वो आ जाएंगे कि कब तक रिजल्ट आ सकता है पूरी न्यूज आप पॉज करके पढ़ सकते हैं मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ फटाफट से कि देखो उन्होंने कहा है कि परीक्षाओं के रिजल्ट आने में तीन महीने का समय लग सकता है क्योंकि कई एग्जामिनर ऑफिस आने को तैयार नहीं है आप सभी को पता है कि जो सिचुएशन है वो दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है बिगड़ती जा रही है केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और ये सिचुएशन में एक ऑब्वियस सी बात है कोई भी अपनी जो ऑब्वियसली हेल्थ है उसको रिस्क पर नहीं डालना चाहेंगे तो ऐसे में मूल्यांकन का जो कार्य है जल्द से जल्द पूरा कर पाना मुश्किल लग रहा है अब जो रिजल्ट पेंडिंग है उसमें देखो एस एस सी के एम टी एस ट्वेंटी नाइनटीन का जो पेपर टू है सी जी एल ट्वेंटी एटीन टीयर थ्री का जो रिजल्ट है वो स्पेसिफिकली क्योंकि उसमें सभी को डर है मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उनको डर है कि यूएफएम के चलते वही आप जो अनफेयर मीन्स होते हैं उसकी वजह से अयोग्य ना घोषित कर दिया जाए अब सी एच एस एल ट्वेंटी एटीन टू की परीक्षा की तरह यहाँ पे भी पत्र मतलब लेटर वगैरह लिखने को कहा था लेटर एंड ऐसे तो जिसमें जो यू एफ एम यानी इमेजिनरी जो भी आप लिखते हो एड्रेस या कोई भी एक्सवाइज या इवन छोटी लिखने तक से भी यू एफ एम की वजह से उस चीज़ को मार्क्स जीरो दे दिए गए थे तो बस इसी चीज़ को लेके मेन डर बना हुआ है तो आप अभी ये मान के चलिए कि भाई जून के फर्स्ट वीक से पहले तो अभी कुछ नोटिफिकेशन की उम्मीद ना कीजिए जून के फर्स्ट वीक में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये पता लग जाएगा कि रिजल्ट कब तक आएगा और जो टोटल तो टाइम तो 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 है वो थ्री मंथ्स का लग सकता है आप इस टाइम में करें क्या भाई क्या करें पढ़ो पढ़ो पढ़ना ही फोकस होना चाहिए बहुत सारी फ्री क्लासेस अभी तो मैराथन चल रहा है ट्वेंटी एट ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन को तो मैराथन है जिसमें थ्री पी एम इंग्लिश फाइव पी एम जी के सिक्स थर्टी पी एम जी के एट पी एम इंग्लिश और नाइन थर्टी पी एम जी के ये आपका चलेगा ये मैराथन ये क्लासेज हंड्रेड परसेंट फ्री है सभी के लिए अटेंड करो फाइव आवर्स समय दो और आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट फील होगी जो डेली क्लासेज फ्री होती है उसमें 3 पी एम वो कैब डेली फिक्स है सिक्स थर्टी पी एम जीके डेली फिक्स है एट पी एम इंग्लिश डेली फिक्स है नाइन

ख्याल रखो अपने घर वालों का ख्याल रखो और सेफ रहो थैंक यू